हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? यार बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यार वीडियो अपलोड करने का मन करता है, बट क्या करूँ, वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वीडियो अपलोड करने का मन करता ही नहीं है। ठीक है, और जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं शायद वो भी मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यार अगर मेरी वीडियो से तुम्हें हेल्प हो रही है तो भाई वीडियो देखने के साथ साथ उसे शेयर भी करो। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँचेगी, मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा लोग तक पहुँचेंगे तो मेरा भी वीडियो अपलोड करने का मन करेगा। ठीक है, तो देखो यार, आज किसी ने टॉपिक सजेस्ट किया कि सर सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताइए कि सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सेट करने के लिए। तो ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बना दे रहा हूँ, ईजी से ईजी वे में आप ऑर्डर सेट कर लेंगे। ठीक है, बस आप लोग इतना कीजिए कि भाई मेरे टॉपिक तुम लोग सजेस्ट करो, और साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद यार शेयर करो, ज़्यादा लोग तक पहुँचेगी तो मैं वीडियो मतलब अच्छे अच्छे वीडियो तुम लोग को डालता रहूँगा, और तुम लोग टॉपिक सजेस्ट करो, मैं वही वीडियो डालूँगा। ठीक है, अब देखो यार, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों में से किसी भी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, और किसी का भी कॉन्सेप्ट तुम्हें हार्ड लग रहा हो, तो मुझे वो टॉपिक सजेस्ट करो, मैं उस टॉपिक का इजी से इजी कॉन्सेप्ट तुम लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इतना बस तुम लोग करो, टॉपिक सजेस्ट करो, और भाई वीडियो देखने के बाद थोड़ा शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो यार देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड मतलब वाटर में, जनरली हम लोग वाटर में बात करते हैं एनी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो देखो यार, किसी भी टॉपिक को मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन से डील करता हूँ कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में उस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में मेनली मैं बता दूँ, दो टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो थ्योरेटिकल बेस्ड इस टाइप के सवाल आते हैं, और एक आपका क्या ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है, डिफरेंट आपका एनायन का या अल्कली मेटल कार्बन वगैरह वगैरह का आपका आता है ऑर्डर सेट करने के लिए। तो ऑर्डर सेट करने के लिए तो मैं रूल बता दूंगा, सिंपल से सिंपल वे में आप ऑर्डर सेट कर लेंगे, बट किताब का रूल मत फॉलो करें, जो बुक में आपको रूल दिया हुआ उससे अगर ऑर्डर सेट करेंगे तो पक्का गलती हो जाएगी, मैं जो बताऊँगा उससे ऑर्डर सेट कीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो हम डील करते हैं, पहले देखते हैं आपका थ्योरेटिकल किस टाइप का मतलब क्वेश्चन आते हैं और इसके आंसर्स हम कैसे देंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, थ्योरेटिकल किस टाइप का आएगा, इस टाइप की लैंग्वेज लिखी होगी कि बेरियम सल्फेट इज सोल्यूबल वाइल बेरिलियम सल्फेट इज सोल्यूबल वाइल बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल, वाई? ओके, और दूसरे टाइप का कैसे आता थ्योरेटिकल में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल देन NaOH, वाई? ऐसे ही कंपाउंड दिए रहेंगे, बोलेगा कि एक सोल्यूबल है एक इनसोल्यूबल है, रीज़न बताओ। और ऐसा ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि दो कंपाउंड दिए रहेंगे जिसमें से बोलेगा एक की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है दूसरे की सॉल्युबिलिटी की कम है, और इसका रीज़न क्या है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो इसको हम कैसे डील करेंगे, आओ बताता हूँ पहले टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। देखो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड्स हो, उन्हें जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो वाटर में सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है, इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि आयनिक कंपाउंड के कैटायन और एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट गया, जिससे आयनिक कंपाउंड जो क्या हो गए, दूर दूर चले गए, और दूर दूर चले जाने पर क्या होता है, उनका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने का मतलब क्या होता है, सॉल्वेशन होता है उनका, मतलब वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालने पर उसके कैटायन और एनायन दूर दूर चले जाए, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे कि कंपाउंड जो है सोल्यूबल है। अगर वाटर में डालने पर वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं हो रहा है तो वो इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि सोल्यूबल का क्या मतलब होता है और इनसोल्यूबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो यार, हमने एक आयनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, NaCl, इसको हमने वाटर में डाला। ठीक, वाटर में डाला तो आप जानते हैं कि Na+ और Cl- के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम तोड़ेंगे तभी ये आपके वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ ये अट्रैक्शन होता है इसे कम दो फैक्टर करते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर क्या होता है, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम दो फैक्टर करते हैं, पहला फैक्टर क्या होता है, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो होता है वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
उसका मेन फंक्शन क्या होता है। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो पूरी तरह से तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म तो नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश जरूर करता है, कुछ हद तक ख़त्म जरूर करता है। तो वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो कम करता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले जितना अपना मतलब जितना अपना दम लगा के कम करता है लेकिन पूरा ख़त्म नहीं कर पाता। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बच जाता है, ठीक है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच जाता है वो हम क्या तो किससे तोड़ते हैं, बाहर से हीट प्रोवाइड करके तोड़ते हैं, ठीक। तो जो हीट हम बाहर से देते हैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए उसे क्या करते हैं, हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए या तोड़ने के लिए जो हम हीट देते हैं उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। हीट दे रहे हैं तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। हीट देने के बाद ये क्या हो जाएंगे, कैटायन और एनायन आपके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे Na+ और Cl- में टूट जाएंगे। और जब कैटायन और एनायन अलग हो जाते हैं, ये सारे प्रोसेस आपके वाटर में चल रहे हैं, ठीक है। कैटायन और एनायन जब अलग हो जाएंगे तो इस कैटायन और एनायन को वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, घेरने लगेंगे, क्योंकि वाटर के पास डाइपोल होता है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल इसे घेरने लगेंगे, इस घेरने वाले प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं या फिर सॉल्वेशन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, याद रखिएगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन को घेरने लगते हैं घेरते हैं उस प्रोसेस को हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये सारी थ्योरी आपकी बुक में दी होगी, ठीक, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो हीट देते हैं उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं, और कैटायन और एनायन अलग होने के बाद उनका हाइड्रेशन या जब सॉल्वेशन होता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी रहती है वो, ठीक है। अब इन्हीं दोनों एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड सोल्यूबल होगा, कौन सा इनसोल्यूबल होगा, या फिर कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा, कौन कम सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस के बाद इन प्रोसेस से ये तीन पॉइंट निकल के आते हैं, ठीक है। ये तीन पॉइंट कैसे निकल के आते हैं, कि पहला पॉइंट ये है कि अगर लैटिस एनर्जी जो हमने हीट दी, ठीक है, वो ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, मतलब कैटायन और एनायन अलग होने के बाद जो एनर्जी आपकी सॉल्वेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो कंपाउंड विल बी इनसोल्यूबल, ठीक है। पहला पॉइंट ये दर गया कि लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा हो गई इस कंपाउंड की NaCl की, तो ये कंपाउंड क्या होगा, वाटर में इनसोल्यूबल होगा, ठीक। अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम है तो वो कंपाउंड क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका क्या रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, इन दोनों एनर्जी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो आपका वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट याद रखना है कि पहला, अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो कंपाउंड विल बी इनसोल्यूबल, अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम है तो कंपाउंड विल बी सोल्यूबल, और अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच डिफरेंस ज़्यादा है तो कंपाउंड ज़्यादा सोल्यूबल होगा। और इन्हीं तीनों पॉइंट की मदद से हम इस टाइप के थ्योरेटिकल सवाल का आंसर देते हैं, ठीक है। तो पहला का जो है कि बेरियम सल्फेट इज सोल्यूबल वाइल बेरिलियम सल्फेट इज सोल्यूबल वाइल बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल, तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा आपका, कि बेरिलियम सल्फेट के केस में क्या हो रहा है आपका, लैटिस एनर्जी जो है हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, इसलिए बेरिलियम सल्फेट आपका क्या है, सोल्यूबल है। और बेरियम सल्फेट के केस में क्या हो रहा है, कि बेरियम सल्फेट में आपका लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बेरियम सल्फेट जो है इनसोल्यूबल है। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर हम इस तरह से देते हैं, ठीक। और दूसरे टाइप का जो आता है ये कि KOH इज मोर सोल्यूबल देन NaOH, तो मोर सोल्यूबल वाला जो क्वेश्चन आता है वो उसको इस टाइप इस पॉइंट से आंसर देते हैं कि KOH बोल रहा है मोर सोल्यूबल से NaOH से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि KOH के केस में हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बीच डिफरेंस ज़्यादा है, और मैंने क्या कहा, डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक। और NaOH के केस में क्या होगा, डिफरेंस इससे कम आ रहा होगा, इसलिए आपका क्या नाम है, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे कम है। दोनों सॉल्युबल है लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इससे, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस इसके केस में ज़्यादा है और इसके केस में कम है। डिफरेंस जिसके केस में ज़्यादा होता है वो कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल सवाल, मतलब पहले टाइप का हो गया ये थ्योरेटिकल सवाल, तो इस टाइप के सवाल का आंसर हम ऐसे देंगे कि एक की लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है या वगैरह वगैरह, ये जो तीनों पॉइंट हमने लिखे हुए हैं,
ठीक। अब चलते हैं ऑर्डर कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो अब ऑर्डर सेट करने के लिए मैं रूल लिख रहा हूँ, बस उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर सेट करना है, ठीक है। तो चलो यार, अब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे सेट कर लेते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। देखो बुक में जैसा दिया हुआ वो ये और वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस मैंने एक जुगाड़ बनाया है अपनी तरफ से, एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिससे आपके सारा सभी का ऑर्डर सेट हो जाएगा और जो एक्सेप्शन वाले हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल, दो रूल याद रखिएगा जो दो रूल मैं बताने वाला हूँ, इससे आप किसी की भी सॉल्युबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर सेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ बुक का ऑर्डर बिल्कुल मत फॉलो कीजिएगा, जो बुक में थ्योरी दी गई है उसको बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, ठीक। तो देखो यार पहला रूल क्या है, ठीक है। पहला रूल ये कहता है कि इफ़ नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम एट एनायनिक पार्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड, एनायनिक पार्ट तो जानते होगे ना, जैसे बेरियम कार्बोनेट में कार्बोनेट वाला एनायनिक पार्ट है, बेरिलियम कार्बोनेट में कार्बोनेट एनायनिक पार्ट है और बेरिलियम जो है आपका कैटायनिक पार्ट है। तो बोल क्या रहा है, इफ़ नंबर ऑफ एटम एट एनायनिक पार्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, 3 से ज़्यादा है नंबर ऑफ एटम, ठीक है, तो क्या होगा, देन सॉल्युबिलिटी डिसाइडेड बाय साइज डिफरेंस। तब सॉल्युबिलिटी जो होती है साइज डिफरेंस से डिसाइड करते हैं, ठीक है। साइज डिफरेंस कैटायन और एनायन के बीच जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अबे मैं प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ, सिर्फ इसको याद रखो, ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। क्या बोलने बोला कि अगर एनायनिक पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, 3 से ज़्यादा हैं तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम, साइज डिफरेंस से डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट किसके केस में, देखो एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ अल्काली मेटल। इसमें देखो कार्बोनेट में नंबर ऑफ एटम 3 से ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट भी नंबर ऑफ एटम 3 से ज़्यादा है, बट इनके केस में हम अल्काली मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में हम सॉल्युबिलिटी किस रूल के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड करते हैं, इनमें सॉल्युबिलिटी जो है नीचे मैंने सेकेंड वाला जो रूल लिखा है, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक्सेप्शन है इसकी सॉल्युबिलिटी हम ऊपर वाले फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जो एक्सेप्शन आ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी हम सेकेंड रूल से डिसाइड करेंगे, और सेकेंड में जो एक्सेप्शन आ रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी हम फर्स्ट वाले रूल से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है कि नंबर ऑफ एटम अगर एनायनिक पार्ट में 3 से ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी हम साइज डिफरेंस से डिसाइड करेंगे, ठीक है। साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। इसको रुको मैं प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। इसमें देखो बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या है अल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट है। इनके केस में देखो कार्बोनेट में एनायनिक पार्ट में नंबर ऑफ एटम क्या है, 3 से ज़्यादा है, तो साइज डिफरेंस हमको सोचना है, साइज डिफरेंस से निकाल लेंगे। तो देखो मेनली अगर मैं बता दूँ, अगर एनायनिक पार्ट में नंबर ऑफ एटम 3 से ज़्यादा होते हैं तो मैं क्या, वो तो ऐसा रूल होता है कि वो जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो एनायन का साइज बड़ा है, मान लो इसका साइज 100 है, ठीक है, 100 पिकोमीटर है, मान लिया 100 पिकोमीटर है। अब बेरिलियम से मैं यहाँ तक, बेरियम तक हम जाते हैं, बेरिलियम से बेरियम तक, तो साइज़ जो होती है इंक्रीज़ करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ करती है। तो मान लो बेरिलियम का साइज़ आपका 4 है, ठीक है, मैग्नीशियम का साइज़ आपका मान लो 12 है, कैल्शियम का साइज़ मान लो 20 पिकोमीटर है, स्ट्रॉन्शियम का साइज़ मान लो 38 पिकोमीटर है, ठीक है, मान ले रहे हैं बेरियम का साइज़ मान लो तुम्हारा 56 पिकोमीटर है, ठीक। कार्बोनेट तो फिक्स है सबके केस में, कार्बोनेट का साइज़ हमने कितना लिया, 100 लिया। साइज़ में वेरिएशन किस में आ रहा है, ये कटायन के साइज़ में वेरिएशन आ रहा है, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस किसके केस में ज़्यादा होगा, 100 में से 4 माइनस करो 96 आया, 100 में से 12 माइनस करो डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, इसके केस में 96 आया, इसके केस में डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80 आएगा, डिफरेंस और कम हो गया कैटायन और एनायन के बीच में, ठीक है। और तुम्हारा इसे 30s में 100 में से 38 माइनस करोगे तो डिफरेंस और कम हो गया, 100 में से 56 माइनस करोगे तो 44 आएगा, डिफरेंस और कम हो गया। तो जैसे हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो कैटायन और एनायन की साइज़ में हमें डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। मैं पहला रूल क्या बताया हूँ कि अगर एनायनिक पार्ट में नंबर ऑफ एटम 3 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, साइज डिफरेंस से डिसाइड करेंगे। नंबर
ऑफ एटम तीन से ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि उस एनायनिक पार्ट का साइज जो है बड़ा है, ठीक है। तो उसकी कोई एक वैल्यू ले लेना और फिक्स कर देना, बाकी सब की वैल्यू मतलब अपने मन में ऐसा सोच लेना। वैसे भी देख के पता चल जाएगा यार, अगर पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग आपको है, ठीक है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि डिफरेंस किसके केस में ज़्यादा आएगा। एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या के बीच डिफरेंस ज़्यादा आता है, ठीक है। ये छोटी संख्या बड़ी संख्या डिफरेंस ज़्यादा आ गया, यहाँ पे कंपेरेबली थोड़ा बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस। यहाँ पे कार्बोनेट होना चाहिए था, मैंने सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक, बेरियम कार्बोनेट, ओके। तो साइज डिफरेंस इस केस में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो पहला रूल समझ में आया कि साइज डिफरेंस देखना है हमको अगर एनायनिक पार्ट में नंबर ऑफ एटम तीन से ज़्यादा है, एक्सेप्ट किसके केस में, इनके केस में नहीं देखना है, ठीक है। इनको मैं बता दूंगा अभी, इनके केस में रूल सेकेंड के अकॉर्डिंग हम सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक। सेकेंड रूल क्या करता है, इफ़ नंबर ऑफ एटम्स एट एनायनिक पार्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड इज 3 or less than 3 देन सॉल्युबिलिटी डिसाइडेड बाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। अगर एनायनिक पार्ट में नंबर ऑफ एटम आपके 3 या 3 से कम है तो उस केस में हम सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। आइए यहाँ पे देखते हैं, इस केस में क्या आपका नंबर ऑफ एटम क्या है, 3 से, एनायनिक पार्ट में नंबर ऑफ एटम 3 से कम है, तो इस केस में हम सॉल्युबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करेंगे, आप जानते होंगे कि लैटिस एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस, आयंस मतलब कैटायन और एनायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साइज ऑफ आयन के क्या होती है, साइज ऑफ आयंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर सेट तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इस केस में देखिए क्या हुआ, एनायन तो फिक्स है, तो जो फिक्स है उसे हम देखते ही नहीं है लैटिस एनर्जी का ऑर्डर सेट करते समय। लिथियम से अगर हम सीजियम तक जाएंगे तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, देखिए चार्ज तो सब पे सेम है, तो चार्ज वाला फैक्टर तो हम नहीं काउंट करेंगे, चार्ज सब पे सेम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सब पे चार्ज सेम है क्योंकि सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। अब साइज़ देखिए, लिथियम से हम जब सीजियम तक जा रहे हैं तो साइज़ क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर इसका ये हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे एटम्स को देख के आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है, ये रूल आपको याद है तो आराम से आप सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ऐसा आ रहा है तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें भी एक एक्सेप्शन लिखा है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स के केस में क्या आपका नंबर ऑफ एटम्स एनायनिक पार्ट में एक ही होता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, साइज डिफरेंस से डिसाइड करते हैं। और इसमें देखो फर्स्ट वाले में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ एल्काली मेटल के केस में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एनायंस 3 से ज़्यादा है, मतलब 3 से ज़्यादा है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी इस रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी चाहिए थी, बट लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी हम डिसाइड करते हैं इस रूल से, सेकेंड वाले रूल से, लैटिस एनर्जी वाले रूल से, ठीक। तो ये दो रूल आप आसान अच्छे से आप रट लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब मैं सारे एग्जांपल कराने वाला हूँ, जितने भी एग्जांपल्स आपके आते हैं लेट सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सेट करने के लिए सारा एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक। तो चलो यार, इन सारे एग्जांपल्स को हम रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में सेट करते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने जो दो रूल आपको बताए हैं उसे आपने ध्यान मतलब अपने याद कर लिया है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे हम ऑर्डर सेट करेंगे सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो इनका तो मैंने बता दिया, ठीक, इसका बता दिया साइज डिफरेंस का, और इसका भी बता दिया आपके नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। यहाँ से सेट करते हैं, तीसरे नंबर से देखते हैं, ठीक। इसमें देखिए क्या है, एनायनिक पार्ट को देखिए, एनायनिक पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ एटम आपके 3 से ज़्यादा है, तो इसके केस में क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिसाइड होगी साइज डिफरेंस से, ठीक है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है, तो इसको तो भूल जाइए, ये फिक्स है, ठीक। लिथियम से लेकर सोडियम, लिथियम से लेकर सीजियम तक देखिए साइज़ में कैसा वेरिएशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो आपका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा,
ठीक है, बढ़ता जाता है। लिथियम का साइज सोडियम से छोटा होता है, उस सोडियम का साइज पोटेशियम से छोटा होता है, पोटेशियम का रुबिडियम से और रुबिडियम का सीजियम से छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस किसके बीच में ज़्यादा आता है, देखिए नंबर ऑफ एटम तीन से ज़्यादा होने का मतलब क्या, इसकी साइज बड़ी है। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या के बीच जो आपका डिफरेंस ज़्यादा आता है, तो इस केस में किसके केस में डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, लिथियम का साइज छोटा है और सल्फेट का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो डिफरेंस इसके केस में ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू इसके। लिथियम से सोडियम का साइज थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, तो इसके ये तो फिक्स है, तो इसका साइज़ बढ़ गया तो इसके केस में डिफरेंस इससे कम आएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी कम होगी, वैसे ही ऐसे ऑर्डर आपका चला जाएगा। ठीक है, बस यही आज के एनायनिक पार्ट को देखिए कि नंबर ऑफ एटम्स कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसको तो मैं अभी कराता हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला था ना, पहले इसको देख लेते हैं, पांचवा नंबर। ठीक है, अल्काली अर्थ मेटल वाला, तो एक जनरल रूल बना देते हैं, सारा एग्जांपल देने से था एक जनरल रूल बना देते हैं। तो अल्काली अर्थ मेटल के जैसे कि जो होते हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनके अगर आप सल्फेट ले लें, नाइट्रेट ले लें, क्रोमेट ले लें, परमैग्नेट ले लें, परक्लोरेट ले लें, या फिर ऑक्सलेट ले लेंगे, ऐसे एनायंस ले लें जिनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, तीन से ज़्यादा है, उनके केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, इनका साइज़ तो बड़ा है, ठीक, इनका साइज़ बड़ा है, और इनके केस में क्या है, साइज़ का ऑर्डर ये है, मतलब इसका साइज़ सबसे छोटा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, तो एक बड़े संख्या एक छोटी संख्या के बीच डिफरेंस आपका ज़्यादा आएगा, तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इनके केस में, ऐसा ऑर्डर चलेगा। ठीक है, तो अल्काली अर्थ मेटल के, या आप सल्फेस ले लीजिए, नाइट्रेट ले लीजिए, क्रोमेट, परमैग्नेट, परक्लोरेट, या फिर ऑक्सलेट ले लीजिए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इसमें तीन से ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी किससे डिसाइड करेंगे, साइज डिफरेंस से, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये आपका आ जाएगा। सेम इसी तरह अल्काली अर्थ मेटल का देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका भी ये सारा ले लीजिए। ठीक है, तो उनके केस में आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सेम, लिथियम का साइज सबसे छोटा तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। ठीक है, तो ये आपका सिंपली ऑर्डर सेट हो गया बस। तो चलो यार, अब जो एक्सेप्शंस वाले हैं उनको देख लेते हैं। ये जो मैंने दो एक्सेप्शन था ना उसमें, कि अगर नंबर ऑफ एटम आपका तीन से ज़्यादा है तो साइज डिफरेंस से हम सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेंगे, एक्सेप्ट किसना, किसके केस में, कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट ऑफ अल्काली मेटल। ठीक है, उनका उनकी सॉल्युबिलिटी किस रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, मतलब लैटिस एनर्जी से डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये देखिए, अल्काली मेटल के कार्बोनेट ये हैं और अल्काली मेटल के बाई कार्बोनेट हैं, इनमें नंबर ऑफ एटम तीन से ज़्यादा है तो मेनली आपका रूल के अकॉर्डिंग से फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन इनके केस में क्या होता है, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चलता है, मतलब लैटिस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी आपकी कम होगी। तो इसमें पहले लैटिस एनर्जी का ऑर्डर सेट कीजिए। ठीक है, कार्बोनेट तो फिक्स है, जो फिक्स है उसको भूल जाइए, जो वेरियस जिसमें वेरिएशन आ रहा है उसको देखिए। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके केस में लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए लैटिस एनर्जी क्या होती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इन सब पे चार्ज तो सेम होता है क्योंकि सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, चार्ज तो इनमें सब में सेम होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सब पे चार्ज सेम होता है। अब साइज़ देखिए, लिथियम से लेकर सीजियम तक जाते हैं तो साइज़ आपकी बढ़ती है, तो साइज़ बढ़ेगी मतलब लैटिस एनर्जी कम होगी, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक, सेम इसी के उसी तरह इसका भी हो जाएगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये होगा तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक, अल्काली मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एटम तीन से ज़्यादा मिलेंगे लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी हम सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, मतलब लैटिस एनर्जी से। अब देखिए हैलाइड्स के केस में मैंने क्या कहा था कि हैलाइडों में देखिए नंबर ऑफ एटम आपके तीन से कम है। ठीक है, तो इसके केस में सॉल्युबिलिटी जो है आपकी सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी चाहिए थी, लेकिन हम डिसाइड किससे करते हैं, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सेट करते हैं, मतलब साइज डिफरेंस से। ठीक, तो इसमें देखिए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। अब इसमें देखिए साइज डिफरेंस से सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेंगे, तो साइज डिफरेंस किसके केस में ज़्यादा आएगा, इसके केस में, क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है, इसके केस में साइज डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, इधर देख लीजिए,
सिल्वर का साइज बड़ा होता है, ठीक है, ब्रोमीन का भी साइज बड़ा होता है, ठीक, सिल्वर का साइज बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, दो बड़ी संख्या के बीच में डिफरेंस क्या आता है, कम आता है। सिल्वर का साइज, और यहाँ पे आपका देखिए सिल्वर और ब्रोमीन से ज़्यादा बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन का होता है। यार इसको मैं एक ऑर्डर में लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ऐसे इधर उधर दिया हुआ है, एक ऑर्डर में लिख के मैं बता रहा हूँ। सिल्वर फ्लोराइड ले लो, सिल्वर क्लोराइड ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, और सिल्वर क्या ले लो, आयोडाइड ले लो, ठीक है। अब इस केस में देखो सिल्वर का साइज़ तो बड़ा होता है, ठीक, और आयोडीन का साइज़ भी बड़ा होता है, तो मैंने क्या कहा, दो बड़ी संख्या के बीच डिफरेंस जो आपका कम आएगा, और सिल्वर का साइज़ बड़ा है लेकिन फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, तो बड़ा और छोटे के बीच डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी का, ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इनकी केस में डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये दो बड़े लोग हैं, इनका साइज़ बड़ा है इसलिए साइज़ डिफरेंस कम आएगा, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, ठीक। सेम इसी तरह देखिए, लिथियम का साइज़ छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज़ भी छोटा होता है, साइज़ डिफरेंस कम आएगा, लिथियम का साइज़ छोटा होता है, आयोडीन का साइज़ बड़ा आता है, तो इनके केस में डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो डिफरेंस ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि हैलाइड्स के केस में साइज़ डिफरेंस से सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं। सेम इसी तरह देखिए सीजियम का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप पता लगाएंगे किसका साइज़ छोटा है किसका साइज़ बड़ा है, आपको ये पता लग जाएगा। तो सीजियम का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, आयोडीन का भी साइज़ बड़ा होता है, तो दो बड़ी के बीच में आपका डिफरेंस कम होगा, इसका साइज़ बड़ा है इसका साइज़ छोटा है, तो इनके केस में डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देख लिए, नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं आपके, दो, तीन से कम है, दो ही हैं, मतलब तीन से कम है, तो इसके केस में क्या सॉल्युबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, मतलब जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आपका आएगा, क्योंकि बेरिलियम सब पे चार्ज सेम है, यहाँ से यहाँ पे बेरिलियम से बेरियम तक जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ऐसा आएगा, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, एटम्स कितने एनायनिक पार्ट में, एटम्स की संख्या आपकी तीन से कम है, तो लैटिस एनर्जी से ही डिसाइड करेंगे, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह लिथियम ऑक्साइड, इनके केस में भी देख लीजिए, इनका भी हम लैटिस एनर्जी से ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम एनायनिक पार्ट में तीन से कम है, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर तो ये आएगा, क्योंकि साइज इधर से इधर जाएंगे आपका कम होगा, तो इधर से इधर जाएंगे तो लैटिस एनर्जी आपकी कम होगी, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये हो गया, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, जस्ट इसका अपोजिट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आपको बस देखना क्या है कि एनायनिक पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। और दो जो एक्सेप्शन मैंने बताया है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में एनायनिक पार्ट में आपका नंबर ऑफ एटम क्या होता है, तीन से ज़्यादा होता है, वो भी सिर्फ एल्काली मेटल के, ठीक है, तो उनके केस में हम सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, पहले वाले में जो एक्सेप्शन है उसकी सॉल्युबिलिटी हम सेकेंड रूल से डिसाइड करेंगे, और सेकेंड वाले में जो एक्सेप्शन है उसकी सॉल्युबिलिटी हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक। तो बस रूल को याद रखिए, और साइज़ डिफरेंस को आप पहचान, अगर पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा आइटम कहाँ है, तो आप साइज़ डिफरेंस आसानी से निकाल लेंगे, और लैटिस एनर्जी तो बहुत इजीली सेट कर लेते हैं, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, और अगर लैटिस एनर्जी का ऑर्डर सेट कर लेना है तो आप क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जस्ट उसके रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक। तो ये सारे तो रूल के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, बट एक जो एक्सेप्शन आ जाता है मैं उसको बता रहा हूँ, एक जो MVIP लिख लीजिए उसको, लेड का जो लेड के जो हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, लेड के केस में ये वाला, ठीक, इसको MVIP लिख लीजिए, इसके केस में PbF2 PbCl2 PbBr2 PbI2, इसके केस में जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है, देखिए इनके मैंने क्या बोलता है, हैलाइड्स के केस में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं आपका, साइज डिफरेंस से निकालते हैं, तो साइज डिफरेंस देखिए, लेड का साइज़ बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, तो साइज़ डिफरेंस का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है, साइज़ डिफरेंस का ऑर्डर ये होगा, तो सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर ये आना चाहिए था, ठीक, लेकिन इनका क्या होता है इसके केस में,
सॉल्युबिलिटी ऐसे वेरी करती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये सॉल्युबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसका याद रखिएगा, ठीक है। इसका कैसे याद रखिएगा कि लेड के हैलाइड्स जो होते हैं उनके केस में सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कैसे चलता है, साइज डिफरेंस का जस्ट अपोजिट चलता है। मतलब जिसका साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जिसका साइज डिफरेंस कम होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। इस तरीके से याद रखिए, बस यही एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। एक्सेप्शनल क्या है यार, इसको भी रूल बना लो ना कि इसके जिसके केस में साइज डिफरेंस ज़्यादा आएगा लेड आयोडाइड के केस में, उसके केस में आपकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए, कोई भी बाकी नहीं रह गया। आप किसी का भी ऑर्डर सेट कर सकते हैं, बस वो दो रूल याद रखिएगा जो मैंने बताए हैं, और उसमें जो दो एक्सेप्शन है उसको याद रखिएगा, ओके। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, और टॉपिक सजेस्ट करो यार, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो कि ये कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुँचे, ठीक है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी में बहुत लोगों को परेशानी होती है, वो ऑर्डर सेट ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो चलो बाय।